लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, खासतौर से बिलारी संभल लोकसभा की हम बात करें तो इस बार संभल लोकसभा में किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि आज चुनाव का लास्ट दिन है, 5 बजे समय सीमा समाप्त हो रही है। संभल का लोकसभा में संभल की लोकसभा की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 400 पार का नारा मोदी जी का रहेगा और यहाँ से परमेश्वरलाल सैनी जी को सांसद बनाकर माननीय मोदी जी की माला में एक फूल हम संभल का देंगे, जिससे हमें यहाँ क्षेत्र का विकास जो अधूरा पड़ा है उस अधूरे विकास को पूरा किया जा सके। और एक चीज़ और, यहाँ जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से समाजवादी हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो उसी परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ के प्रत्याशी शफीकुर्रहमान बर्क के नाती जियाउर्रहमान जी को टिकट दिया। जियाउर्रहमान जी कुंदर की विधानसभा से विधायक हैं, पहले उनके दादा सांसद थे। एक तरीके से समाजवादी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी, तो बिल्कुल वास्तव में सत्यता है कि समाजवादी पार्टी ने परिवार को बढ़ावा दिया। जियाउर्रहमान जब ऑलरेडी पहले से वहाँ कुंदरकी के विधायक हैं और वो काम और विकास करने में बिल्कुल कोई भी उनका मन नहीं है और उस काम से वंचित है पूरा कुंदरकी क्षेत्र, आज तक उन्होंने कुंदरकी की कभी आवाज़ इस विधानसभा के अंदर नहीं उठाई, तो मैं कैसे विश्वास कर सकती है इस संभल लोकसभा की क्षेत्र की जनता कि वो संसद में इस लोकसभा संभल की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और पहले से जो उनका इतिहास रहा है, हमेशा भारत माता को कलंकित करने का, भारत माता के खिलाफ बोलने का, वंदे मातरम को नहीं बोलने का एक इशू बना लिया है उनके परिवार के लोगों ने, उसी पे यहाँ जो प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी हैं वो अपने मुद्दों से भटक गए हैं। अपने मुद्दों से भटकने के बाद वो आतंकवादी की बात करते हैं, अपने जिस देश में रह रहे हैं उस देश के खिलाफ बात करते हैं और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के खिलाफ और लोकसभा के खिलाफ बात करने का काम उन्होंने मन बना लिया है। तो अब संभल की लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है कि जो पुराने जो वादे थे उनके, वो वादों में एक भी वादा इस संभल लोकसभा में वो पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने का वादा था, वो भी नहीं पूरा कर पाए। बहुत सी योजनाएं हैं पूरे क्षेत्र, 5 विधानसभा इस हमारी संभल लोकसभा में आती है, 5 विधानसभा में से 1 विधानसभा में भी पूर्णतः तरीके से कोई काम सांसद निधि से नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उनका जो निधि थी उस निधि में से भी 15 लाख मेरे ख्याल से कुछ रुपये 15 करोड़ उन्होंने वापस जाने का उस निधि को काम किया, तो ये भी एक संभल की लोकसभा की जनता के साथ छल किया गया है, धोखा दिया गया है। तो इस बार संभल से अगर कहें, संभल से मुस्लिम समाज, यादव समाज, हमारा जाटव समाज, सभी वर्गों ने एक बार मन बना लिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार इस पूरे देश के अंदर और प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भय मुक्त सरकार है, कोई भी व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो निश्चिंत होकर किसी भी जगह अपने आदान प्रदान कर सकता है, न रात में उसे चोरी का डर है, न किसी लुटेरों का डर है, हर तरीके से योजनाओं का लाभ जो पहले हाथों में दिया जाता था, अब माननीय मोदी जी की सरकार के बाद सारा लाभ हम लोग खाते में देने का, किसान के खाते में देने का काम करते हैं, जनधन योजना के तहत अपना योजना देने का काम करते हैं। बहुत से हमारे बिलारी नगर में जो आवासीय योजना चली, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, सबसे ज़्यादा हमारे अल्पसंख्यक समाज को कॉलोनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो अब सभी समाज ने मिलकर मन मना लिया है कि 400 पार तो है ही है, अब की बार संभल भी पार रहेगी। धन्यवाद।